हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लर्न स्टॉक चार्ट्स टू अर्न। दोस्तों, अगर अब तक आपने मेरे चैनल को विजिट नहीं किया तो चैनल पर आइए, यहाँ पे प्लेलिस्ट पे क्लिक कीजिए। प्लेलिस्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे मैंने कैटेगरी वाइज वीडियोस अपलोड करके रखे हैं। प्लेलिस्ट का नाम देखकर भी आपको पता लग जाएगा कि वो रिस्पेक्टिव प्लेलिस्ट में किस तरह के वीडियोस है। तो आपके इंटरेस्ट के हिसाब से आप ये वीडियोस देख लीजिए, और अगर आपको चैनल पे कुछ भी मीनिंगफुल लगता है, और अगर आपको लगता है कि चैनल पे जो भी हमने इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की है उससे आपके नॉलेज में गेन हो रहा है, तो ये आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर सब्सक्राइब करते हैं तो रेगुलर अपडेट्स के लिए बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए। दोस्तों, अगर आपको स्टॉक मार्केट रिलेटेड बुक्स में इंटरेस्ट है तो अमेजोन पर आकर ये मेरा नाम डाल दीजिए, और सर्च पे क्लिक करने के बाद अब तक जितने भी मैंने बुक्स पब्लिश किए हैं आपके सामने आ जाएंगे। यहाँ पे भी हमने बेसिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने की कोशिश की है, उसके ही साथ जो अलग अलग ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज रहते हैं, जैसे कि इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज, फिर शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज, फिर स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज, फिर मल्टीबैगर स्ट्रेटेजीज, तो हर अलग तरह के स्ट्रेटेजीज के ऊपर, चार्ट पैटर्न्स के ऊपर और टेक्निकल इंडिकेटर्स के ऊपर हमने बुक पब्लिश करने की कोशिश की है। हिंदी में भी एक बुक पब्लिश किया है दोस्तों, जो बेसिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है स्टॉक मार्केट एंड टेक्निकल एनालिसिस के बारे में। तो यहाँ पे आइए दोस्तों, और जो भी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की है उससे भी आप फ़ायदा लेने की कोशिश कीजिए दोस्तों। लेकिन जो भी हमने इन्फॉर्मेशन या रिस्पेक्टिव बुक्स में प्रोवाइड की है उसे आप एजुकेशनल पर्पज़ ही कंसिडर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज का टॉपिक शुरू करते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम इंट्राडे ट्रेडिंग के बारे में कुछ यूजफुल इन्फॉर्मेशन देखेंगे। दोस्तों, जनरली क्या रहता है कि हम जब भी इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो हम अलग अलग तरीके के टाइम फ्रेम्स इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि 5 मिनट का टाइम फ्रेम रहेगा, 15 मिनट्स का रहेगा, कभी कभी हम 10 मिनट्स का भी कर लेते हैं, कभी कभी 30 मिनट्स का, या कभी कभी 1 आवर का भी हम टाइम फ्रेम इस्तेमाल करके इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं। उसी के साथ हम अलग अलग इंडिकेटर्स का भी सहारा लेते हैं, जैसे कि मूविंग एवरेजेस रहेंगे, कभी कभी हम 50 SMA, कभी कभी 100 SMA, 200 SMA का भी सहारा लेकर हम इंट्राडे ट्रेडिंग करने की कोशिश करते हैं। कभी कभी हम बहुत ही शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस का भी इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि 5 EMA रहेगा, 13 EMA रहेगा, 26 EMA रहेगा, राइट। तो अलग अलग मूविंग एवरेजेस का भी सहारा लेकर हम इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं। कभी कभी हम सुपर ट्रेंड का भी सहारा लेते हैं, वॉल्यूम देखते हैं, RSI देखते हैं, तो बहुत सारे ऐसे तरीके रहते हैं कि जिसके जरिए हम हमारी स्ट्रेटेजी को इम्प्लीमेंट करके हम इंट्राडे ट्रेडिंग कर सकते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम खाली दो ही चीज़ों का कॉम्बिनेशन करके हम इंट्राडे ट्रेडिंग को किस तरह से बेहतर बना सकते हैं वो इन्फॉर्मेशन देखेंगे। दोस्तों, कभी भी हम जब भी कोई भी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बनाते हैं तो वहाँ पे 100% एक्यूरेसी हमें मिल जाए ऐसा कभी नहीं हो सकता। दोस्तों, हमें ये भी समझना पड़ेगा कि हमारे स्टॉप लॉसेस भी हिट होने वाले हैं और हमारे टारगेट भी हिट होने वाले हैं। हमें इतना ही देखना चाहिए कि मोर देन 50% एटलीस्ट हमारी एक्यूरेसी होनी चाहिए, और जब भी हम ट्रेड लेते हैं तो हमें एटलीस्ट 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड भी मिलना चाहिए। मनी मैनेजमेंट के साथ क्वान्टिटी डिफाइन करके हम अगर ट्रेडिंग करेंगे तो हम अच्छी तरह से ट्रेडिंग कर पाएंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे हम जो भी चीज़ों का कॉम्बिनेशन करने वाले हैं, यहाँ पे मेन इम्फोसिस हमारा रहने वाला है सपोर्ट और उसी के साथ RSI का, यानी कि हम सपोर्ट और RSI का इस्तेमाल करके हमारे ट्रेड को कंफर्म करेंगे, और यहाँ पे हम वॉल्यूम का भी इस्तेमाल करने वाले हैं। अगर हमें सपोर्ट पे कुछ इंडिकेशन मिलते हैं ट्रेंड चेंज के, वहाँ पे RSI भी हमें कुछ इंडिकेशन देता है बाइंग के, और वहाँ पे हमें वॉल्यूम भी मिलता है, तो डेफिनेटली स्टॉक में प्राइस एक्शन बनने की संभावना रहती है। तो वो किस तरह से करना है वो समझ लेने के लिए मैंने यहाँ पे एक्सिस बैंक का चार्ट लिया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्सिस बैंक का चार्ट है। अभी मैंने यहाँ पे 30 डेज का चार्ट लिया, यानी कि टोटल जो हमारे चार्ट सामने है वो है 30 डेज का। यहाँ पे जो वर्टिकल डैश्ड लाइन्स है वो हमारे डेज को डिफरेंशिएट कर रही है, और टोटल जो चार्ट हमने ओपन किया है वो उसका टाइम फ्रेम अगर आप देखेंगे तो ये 15 मिनट का चार्ट है, यानी कि एक जो कैंडलस्टिक हमारे सामने है वो 15 मिनट की है, यानी कि 30 डेज और 15 मिनट का चार्ट हमने यहाँ पे ओपन किया है, उसके जरिए हम समझ लेने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, जनरली यहाँ पे आपको दो तीन चीज़ों के बारे में इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि पहली बात ये हो जाती है कि आपको सपोर्ट अच्छी तरह से आइडेंटिफाई करने को आना चाहिए। जब भी हम 30 डेज का चार्ट ओपन करते हैं तो 30 डेज का चार्ट ओपन करने के बाद हमें वहाँ पे अच्छी तरह से सपोर्ट को आइडेंटिफाई करने को आना चाहिए, हमारा पहला क्राइटेरिया हो गया। दूसरा क्राइटेरिया ये होना चाहिए कि हमें RSI के बारे में भी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, यानी कि RSI किस तरह से बिहेव करता है या बिहेव होता है। दोस्तों, जनरली जब भी हम RSI कहेंगे तो एक रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स है, इसका इस्तेमाल करके हम कोई भी स्टॉक की ओवरबॉट या ओवरसोल्ड लेवल्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं।
दोस्तों अगर स्टॉक RSI के हिसाब से बिलो 30 या 30 के नियर ट्रेड करेगा तो हम कहेंगे कि वो RSI के ओवरसोल्ड रीजन में है और वहां पे उसमें अपर साइड की मूवमेंट आने की संभावना है। और उसके एग्जैक्टली ऑपोजिट जब भी RSI 70 के आसपास या उसके अबव ट्रेड करेगा तो हम कहेंगे कि RSI उसके ओवर बॉट रीजन में ट्रेड कर रहा है और वहां से उसमें रिवर्सल आकर उसमें डाउनवर्ड साइड की मूवमेंट आने की संभावना है। तो ये कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। दोस्तों बहुत सारे लोग ये भी गलती कर लेते हैं कि RSI कभी भी 30 हो जाए तो वहां पे वो पोजीशन बना लेते हैं, तो ये भी नहीं करना चाहिए। इसीलिए हम यहाँ पे RSI को सपोर्ट के साथ इस्तेमाल करने वाले हैं, यानी कि जब भी सपोर्ट पे RSI हमें ओवरसोल्ड मिले तभी उसमें मैक्सिमम टाइम पे ट्रेंड चेंज आने की संभावना रहती है। और अगर मान लीजिए वहां पे वॉल्यूम भी बढ़िया मिले तो डेफिनेटली ट्रेड सक्सेस होने के चांसेस हमारे बढ़ जाते हैं। यानी कि ये स्ट्रेटेजी में ये पर्टिकुलर इंट्राडे की जो भी हम यूजफुल इन्फॉर्मेशन देखने वाले हैं यहाँ पे हमें तीन चीजों का ध्यान रखना है। उसमें पहली बात ये हो जाती है कि हमें स्टॉक को एक स्ट्रांग सपोर्ट पे पकड़ना है। उसके बाद जब भी स्ट्रांग सपोर्ट पे कोई बुलिश कैंडलस्टिक रिवर्सल की हमें मिलती है तो वहां पे जनरली जो रिवर्सल के कैंडलस्टिक पैटर्न या चार्ट पैटर्न रहते हैं उसके बारे में भी हमें इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, वो भी देखना है। उसी के साथ अगर RSI ओवरसोल्ड रहेगा और वो जो भी रिवर्सल की बुलिश कैंडल है वहां पे अगर हमें वॉल्यूम भी बढ़िया मिलेगा तो हमारे ट्रेंड चेंज के कन्फर्मेशन बन जाते हैं। और वो इंट्राडे में अगर हमें अर्ली साइन मिलता है, यानी कि अर्ली टाइम पे अगर हमें वो सिनेरियो मिलता है तो फिर पूरा दिन हम राइड कर सकते हैं और वहाँ पे मैक्सिमम टाइम का यानी कि मैक्सिमम परसेंटेज का प्रॉफिट गेन भी हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल के जरिए मैं यहाँ पे बताने की कोशिश करता हूँ। दोस्तों मान लीजिए प्रीवियस हमारा हिस्टोरिकल चार्ट था, ये हिस्टोरिकल चार्ट पे अगर आप देख लेते तो हमें यहाँ पे एक सपोर्ट दिखा था, वही सपोर्ट यहाँ पे प्रीवियस चार्ट पे दिखा था। यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे रेजिस्टेंस था, यहाँ पे रेजिस्टेंस था। स्टॉक जब भी नीचे था तो जब भी स्टॉक ऊपर गया यहाँ पे उसने सपोर्ट लिया, यहाँ पे सपोर्ट लिया, यहाँ पे सपोर्ट लिया। अब यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया था, यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया था, ऊपर जाने के बाद यहाँ पे सपोर्ट लिया था, यहाँ पे भी सपोर्ट लिया था, यहाँ पे भी सपोर्ट लिया था। तो ये कुछ हिस्टोरिकल चार्ट देखकर हमने अच्छी तरह से सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ड्रॉ किया। अभी जैसे हमने सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ड्रॉ किया वही लेवल्स हमारे लिए अभी यहाँ से आगे वर्कआउट होने वाले हैं, राइट। तो उसके लिए हमें क्या करना है कि एक 15 मिनट का चार्ट मैंने यहाँ पे लिया। आप 5 मिनट का ले सकते हैं, 10 मिनट का ले सकते हैं। 15 मिनट का क्यों लिया है तो थोड़ा पीसफुली हम ट्रेड कर सकते हैं। अगर 15 मिनट के चार्ट पे कोई पैटर्न बनता है तो उसकी एक्यूरेसी या उसका सक्सेस रेट बढ़िया होने की संभावना रहती है जब भी हम कंपेयर करते हैं लोअर टाइम फ्रेम से, यानी कि 5 मिनट के टाइम फ्रेम से। एक एग्जांपल के तौर पर बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे अभी सपोर्ट तो हमने मार्कआउट किया, मैंने बताया किस तरह से हमने सपोर्ट या हॉरिजॉन्टल लाइन मार्कआउट की है। जो प्रीवियस सपोर्ट था और रेजिस्टेंस था उसको मिलाकर हमने तीन ट्रेंड लाइन मार्कआउट किए हैं। अभी यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे ये स्टॉक ऊपर से नीचे आ गया और यहाँ पे ये कैंडलस्टिक का पैटर्न बन गया। तो पहला टास्क था हमारा सपोर्ट को आइडेंटिफाई करने का, तो वो हमने कर लिया। उसके बाद यहाँ पे एक जो रिवर्सल की एक बुलिश कैंडलस्टिक रहती है, बुलिश हैमर पैटर्न जो रहता है वो यहाँ पे बन गया और इसने हमें रिवर्सल के इंडिकेशन दे दिए थे। सपोर्ट पे हमें एक रिवर्सल की कैंडलस्टिक भी मिल गई। अभी वहां पे अगर हम देखेंगे तो वॉल्यूम पे हमें ठीक ठाक मिल गया। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो वॉल्यूम भी हमें ठीक ठाक मिल गया है। अभी जो कैंडल बनी थी वहां पे मैं इस तरह से माउस को मूव करता हूँ तो यहाँ पे आप RSI की एक ग्रीन वैल्यू देख लीजिए, यहाँ पे RSI की वैल्यू भी आपको पता लग जाएगी। तो यहाँ पे जैसे मैं माउस मूव करता हूँ तो RSI अराउंड 23 ट्रेड कर रहा है। तो RSI बिलो 30 ओवरसोल्ड रहता है, यहाँ पे RSI 23 पे ट्रेड कर रहा है, तो RSI भी ओवरसोल्ड रीजन में ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो सपोर्ट पे एक रिवर्सल कैंडलस्टिक बन गई, वॉल्यूम बढ़िया मिल गया, RSI भी 23 यानी कि बिलो 30 ओवरसोल्ड रीजन में ट्रेड कर गया। तो ये कुछ चीजों को जब भी हम मिला लेते हैं तो ये हमें एक बाय के इंडिकेशन दे रहा है। वहां से अगर आप देखेंगे तो फिर इमीडिएट बेसिस पे अपर साइड में प्राइस एक्शन आ गया। अगर आप देखेंगे तो फिर स्टॉक कंटिन्यूअसली ऊपर के साइड में मूव होने लगा। तो इस तरह से आपको ये सपोर्ट जोन को आइडेंटिफाई करके ट्रेड करना है। अब ये एक मैंने बैक टेस्टिंग करके आपको बताया। अभी यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे दूसरा सिनेरियो, यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो स्टॉक यहाँ से नीचे आ गया, ये कैंडलस्टिक ने यहाँ पे सपोर्ट लिया, फिर एक बुलिश कैंडलस्टिक बन गई, नीचे वॉल्यूम भी बढ़िया था। और यहाँ पे अगर आप RSI देखेंगे तो RSI यहाँ पे अगर आप देख लेते तो यहाँ पे मैं मूव करता हूँ, आप ये वैल्यू देख लीजिए, तो यहाँ पे अराउंड 54 था। अब ये ओवरसोल्ड में तो नहीं था लेकिन 54 था, फिर भी इसमें आप देख सकते हैं कि अपर साइड की मूवमेंट आ गई।
राइट। फिर यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे एक बुलिश कैंडलस्टिक बन गई, ये कैंडलस्टिक रेड वाली कैंडलस्टिक बन गई। अभी ये रेड कलर में, हालांकि ये हैमर का एक पैटर्न है लेकिन रेड कलर में है। फिर भी आप देख सकते हैं कि ये पैटर्न बनने के बाद नीचे वॉल्यूम भी था और RSI भी अगर आप देखेंगे तो 29 के आसपास था। ये वैल्यू देख लीजिए तो बिलो 30 था और सोल्ड रीजन में था। और उसके बाद अगर आप देखेंगे तो पूरा दिन में स्टॉक कंटिन्यूस बेसिस पे ऊपर गया और ये प्राइस रेंज से अगर आप देखेंगे तो ये प्राइस रेंज तक, यानी कि ये हाई तक ये स्टॉक चला गया। अभी इसके ऑपोजिट भी आप कर सकते हैं, बाइंग के कुछ मैंने एग्जांपल बता दिए। इसके ऑपोजिट आप सेलिंग साइड में भी कर सकते हैं, जो प्रीवियसली हमने हॉरिजॉन्टल लाइंस मार्कआउट किए थे जो कि हमारे लिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस वर्कआउट होने वाले थे। तो जिस तरह से हमने सपोर्ट पे बाय किया उसी तरह से आप रेजिस्टेंस पे भी सेल कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे रेजिस्टेंस पे जाने के बाद एक बेरिश कैंडलस्टिक बन गई और उसके बाद फिर उसमें फॉल आने लगा। अभी रेजिस्टेंस पे अगर RSI 70 के आसपास रहेगा तो वो और भी कंफर्मेशन आपको दे देगा, हालांकि यहाँ पे 54 पे ही है। लेकिन जनरली कोई रेजिस्टेंस आपको मिलता है, रेजिस्टेंस पे अगर कोई कैंडलस्टिक के पैटर्न आपको रिवर्सल के बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न मिलते हैं, वॉल्यूम बढ़िया मिलता है और RSI भी ओवरबॉट के नजदीक यानी 70 के आसपास मिलता है और वहां पे अगर जो भी ब्रेकआउट वाली या बेरिश कैंडलस्टिक रहेगी उसका लो ब्रेक होता है तो वहां पे भी अगर आप देखेंगे यहाँ पे जिस तरह से वर्टिकल फॉल आया है उस तरह की भी सिचुएशन बन सकती है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं ये कैंडल ने रेजिस्टेंस को हिट किया था, RSI को आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये वैल्यू देख लीजिए, ये कैंडल पे RSI हमारा अबव 70 था, राइट, 70 के ऊपर था तो और बॉट रीजन में था। यहाँ पे एक कैंडलस्टिक ने रेजिस्टेंस को हिट किया, वॉल्यूम भी था और ये आज की कैंडलस्टिक देखेंगे तो ये पूरी तरह से बेरिश कैंडलस्टिक बन गई है। इसके लो के भी नीचे अगर आप ट्रेड लेते तो लग रहा है कि अभी इसमें डाउनवर्ड साइड की मूवमेंट आज के दिन में आ सकती है। तो इस तरह से कुछ सपोर्ट को मिलाकर, वॉल्यूम को मिलाकर और RSI को सपोर्ट पे या रेजिस्टेंस पे आइडेंटिफाई करके वहां पे RSI का ओवरबॉट और ओवरसोल्ड जो लेवल्स रहता है वो चेक करके उसमें हम ट्रेड को कंफर्मेशन करके उसी के साथ अगर आपको और भी ट्रेड को बेहतर बनाने के लिए कैंडलस्टिक के पैटर्न, चार्ट पैटर्न को मिलाकर अगर आप ट्रेड करेंगे तो डेफिनेटली इसमें सक्सेस रेशियो बढ़ जाएगा और रिस्क रिवॉर्ड भी मिलने की संभावना है। तो इस तरह से आप सिंपल सी चीज़ें, आपकी जो भी स्ट्रेटेजी रहेगी वो स्ट्रेटेजी के साथ इन चीज़ों को अगर आप मिलाएंगे तो डेफिनेटली आपका सक्सेस रेट बढ़ जाएगा। तो दोस्तों मुझे लगता है रिस्पेक्टिव वीडियो में हमने जो भी डिस्कस किया इससे आपको जरूर फायदा हुआ होगा। दोस्तों एज अ डिस्क्लेमर, इस चैनल पे हम जो भी डिस्कस करते रहते हैं वो पूरी तरह से एजुकेशनल पर्पज है, तो आप इस एजुकेशनल पर्पज ही ले लीजिएगा, इसको देखकर आप प्लीज ट्रेड मत कीजिएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।